अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लैला आतिफ विद अ ब्रांड न्यू शो लाइमलाइट विद लैला आतिफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों में रहिए, बहुत मदद मिलती है इससे, बिकॉज मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती हूं। कोशिश करती हूं कि मैं पॉजिटिव लोगों में रहूं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, कभी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है, तो ये वो लोग होते हैं जो आपको फिर से खड़ा कर देते हैं। सो इसी बात के साथ मैं आज के अपने शो को स्टार्ट करूंगी। सो इस शो में 3 सेगमेंट्स होंगे। मेरा पहला सेगमेंट होगा इंट्रोडक्शन विद आवर गेस्ट, और मेरा दूसरा सेगमेंट होगा खेल खेल में, और तीसरा सेगमेंट होगा रैपिड फायर राउंड। तो चले चल के देखते हैं हमारे आज के मेहमान कौन हैं, वो क्या कर रही हैं, और चल के उनके बारे में थोड़ा सा मज़ीद जानते हैं। जनाब, देखा आपने कि कौन है हमारी आज की गेस्ट, तो चले चल के हम उनसे बाकायदा बात शुरू करते हैं। हेलो अवलीन, वेलकम टू द शो। नमस्कार, सलाम वालेकुम, एंड थैंक्स अ लॉट लैला फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्लीज्ड टू हैव यू ऑन माय शो। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? बहुत बढ़िया, बस काम काम काम। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आई, कब कनाडा आई, और आप आजकल क्या कर रही हैं? श्योर, मेरा नाम अवलीन खोखर है। मुझे इस ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में करीब 28 साल हो गए हैं, और मैं बहुत छोटी उम्र में कहूँगी कि मैंने काम शुरू किया था, एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। बैक होम इंडिया में मैं एक एजुकेटर के तौर पे मैंने बहुत साल काम किया, और ब्यूटी प्रोफेशनल्स को, ब्यूटी इंडस्ट्री को मैंने बहुत एजुकेट किया, नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स, किस तरह मशीनें यूज़ करते हैं, किस तरह मेकअप लगाते हैं, और हर किसी शहर में, देश में, कंट्री में एक सिस्टम होता है, राइट? सो और हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए माना जाता है कि तुमने डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, अच्छा तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ब्यूटीशियन बन जाओ। यस, पर लोग ये नहीं समझते कि ब्यूटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। सो मुझे याद है मेरी जब शुरुआत हुई, मेरी बेटी पैदा हुई, और हमें लगा कि हमें अब अपना थोड़ा सा काम भी करना है। सो मुझे चॉइसिस दी गई, या तो बुटीक खोल लो, या पार्लर खोल लो, या फिर तुम कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, घर से बाहर तो जा नहीं सकते ज़्यादा, बच्चे कौन संभालेगा। सो ऐसे में एक्चुअली ये कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो औरतों के लिए सेवियर की तरह होते हैं, कि वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकती हैं, अपनी खुद की ग्रोथ भी कर सकती हैं, और घर के लिए एम्प्लॉयमेंट भी ला सकती हैं। और इसी रास्ते पर हम आगे चले और चलते चले गए, फिर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैं जुड़ती चली गई इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एंड देन ऐसे ऐसे राह में रास्ते और माइलस्टोन्स आए कि कभी किसी कंपनी ने हमें एक्नॉलेज किया, मुझे बहुत सारे पेजेंट शो को मेंटर करने का मौका मिला, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर शो में मैं चीफ मेंटर थी, फिर बहुत सारे लाइक ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, उनमें मुझे लाके 15 लड़कियों को दे देना कि अवलीन ये 15 लड़कियां, अब इनको तुम ग्रूम करो, सो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी ब्यूटी, फिर अलग अलग लोगों को बुलाना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करानी। इसके अलावा मैं दिल्ली में, दिल्ली मेरा मेन होम टाउन रहा है, दिल्ली में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में करिकुलम मॉड्यूलेशन किया है, और मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ, यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, कुछ बड़े नाम हैं, या पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन हो गया, क्रैलॉन हो गया, जिन जो ब्यूटी की इंडस्ट्री में लाइक किसी नाम के मोहताज नहीं है। सो उनके साथ मैंने जुड़ के उनकी न्यू लुक्स लॉन्च की, नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लॉन्च किए। सो ये सफ़र चलता जा रहा था, देन मेरा बेटा कनाडा आया, मैं पहले आई कनाडा 2-3 बार, और मैं यहाँ से कुछ नए नए कोर्सेज और नई नई टेक्निक्स लेके इंडिया गई।
फिर मुझे लगा बच्चों के लिए एक बहुत खूबसूरत कंट्री है ये, एक बहुत सुंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ है. सो बच्चे यहाँ सेटल होना चाहते थे तो फिर हमने सब कुछ माइंड अप किया. अच्छा, पहले यहाँ पर आई थी कनाडा? मैं दो बार आई हूँ. अच्छा, और फिर आपने ट्रेनिंग्स की और आप फिर दोबारा? कुछ ट्रेनिंग्स की, कुछ जगह एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए. मुझे याद है डाउनटाउन में एक स्कूल हुआ करता था कॉम्प्लेक्शंस, सो दे सेड अवलीन आपको बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स आते हैं, आपको बहुत अच्छा अरेबिक मेकअप आता है, सो वी डिड एन एक्सचेंज प्रोग्राम. आई लर्न फोटोग्राफिक हेयर स्टाइलिंग फ्रॉम देम एंड देन आई टॉट देम इंडियन एंड लाइक अरेबिक आई मेकअप्स एंड ऑल. ये बात है 2007 की. अच्छा, फिर 2005 में मैं आई थी तो मैंने यहाँ से एयर ब्रश मेकअप किया था. तो बस एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ आर्ट एंड स्किल्स होता रहा एंड कुछ मैं यहाँ पढ़ के गई, कुछ यहाँ पढ़ा के गई. एंड देन 2018 में जब बच्चों का जिद था, उनका उन्होंने इंसिस्ट किया तो तब मैं यहाँ पे. अच्छा, ये बच्चों का शौक था कि कनाडा आना चाहिए. जी, वो कहते मम्मी अगर आप वहाँ पे इतना बढ़िया कर रहे हो सो आपको एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपके पास पीआर है, आप और ज़्यादा आगे आएंगे तो, और प्लस एवरीबडी विल बी टुगेदर. सो 2018 में मैं यहाँ आई और आते ही कहते हैं ना ऊपर वाले की मेहर थी बहुत बड़ी कि मेरे को बहुत अच्छी एक जॉब मिल गई. जैसे एक स्टेपिंग स्टोन होता है किसी भी एक नए इमिग्रेंट के लिए स्टार्ट करने के लिए. सो मुझे हडसन्स बे में क्लिनिक काउंटर के साथ काउंटर मैनेजर पोजीशन मिली. वो एक ऐसा दौर था कि मैं एक बहुत लाइक मैं कहूँगी टॉप मैनेजमेंट लेवल से आई थी और वहाँ पर मुझे ग्राउंड लेवल पर काम करने का मौका मिला. हर देश, थोड़ा सा कलर. मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ग्राउंड लेवल पे काम करने में लगा क्योंकि आज तक हम लोग बहुत एक ऊपर ओहदे पे काम करते आए हैं. सो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में हमें नहीं मालूम. अब बोलना बहुत आसान है, पैसे बेचिए, आप ये कीजिए, ये चीज़ है, वो बहुत एक डिफरेंट दौर होता है. लेकिन जब आप खुद काम करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका क्लाइंट ऑन पेपर इज डिफरेंट, बिल्कुल, बट एक्चुअली क्या है, कैसे वो आपके साथ डील करता है, वो आपको एज अ सेल्स गर्ल ले रहा है, एज एन एसोसिएट ले रहा है, एज एन एजुकेटर ले रहा है, और हम सिर्फ एजुकेटर रहे हैं. सो हमें बताना आता है, हमें बेचना नहीं आता. सो जब मैं पढ़ाती थी हाउ टू सेल, सो आई यूज टू से टेल, डोंट सेल. सो जब मैंने रियलिटी में लोगों को बताने की कोशिश की तो समटाइम्स आई फाउंड दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग इन लाइक नोइंग द फैक्ट्स. उनको चाहिए बस क्रीम दे दो, ये चीज दे दो, मुझे कहानी खत्म. वो करती क्या है उसकी, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स, कभी भी नहीं देखने में सुनने में आता कि कोई आपके पास आए और आपसे पूछे कि इस क्रीम में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से. बाई चांस मेरे साथ लोगों ने जैसे ऑब्जर्व किया या क्या किया, मेरे साथ बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत बहुत टाइम लिया एंड कई बार मेरे एसोसिएट्स, मेरे कलीग्स ने बोलना अवलीन तुम्हें एक घंटा हो गया उस क्लाइंट के साथ, पर यू नो इन बिल्ट एजुकेटर जो होता है आपके अंदर ही है. तो वो बाहर आना और उसका फिर, बट ये खूबसूरत जर्नी थी. मैंने कल्चर को समझा, लोगों को समझा, यहाँ का एटीट्यूड, यहाँ का एनवायरनमेंट समझा. जॉब करने से यहाँ पे ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप यहाँ के कल्चर, यहाँ के बिहेवियर, प्लस यहाँ पे कोलीग्स, वर्कर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं बैक होम से. जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया में जिस तरह एक वर्क एनवायरनमेंट है, इट्स टोटली डिफरेंट है. वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलती है. वहाँ पे अगर आप एक पोजीशन पे हैं तो आप उस पोजीशन के काम को कर. अच्छा, वहाँ पे कवर अप भी गलतियाँ काफ़ी कर देते हैं. कोई आपसे गलती हो भी जाए तो कवर अप कर देते हैं. यहाँ पे हाईलाइट मैंने देखा है कंसिडरेशन. बिल्कुल, लाइक हमारे देशों में एक कंसिडरेशन है कि लिहाज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लाइक कट टू कट बाय द बुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स इट. बिल्कुल सही बात. सो यहाँ पे एक्चुअली आई वुड से सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि हमें उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है. सो मैं इस चीज़ को एक खूबसूरती बोलूंगी क्योंकि इसमें आप एक टफ एंड टाइट एनवायरनमेंट में काम करना सीखते हैं. बिल्कुल. सो वो एक जर्नी थी, अच्छी थी, बहुत खूबसूरत, और ब्रांड्स के साथ उनको जानने का मौका मिला, जबरदस्त उनकी भी ट्रेनिंग्स हुई. फिर साथ साथ मैं कहूँगी जब लॉकडाउन आया, कोविड आया, तो हमें घर बिठा दिया गया. अब हमें था कि इतने साल हमने पढ़ाया है और इतने साल हमने इतनी टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है, सो शायद स्टेपिंग स्टोन के तौर पे तो ये एक अच्छा माइलस्टोन था, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है. बिल्कुल. सो उस टाइम आपके हो रहा होगा ना कि मैं अपनी जो काम पीछे इंडिया में आप करती आई हैं, मार्शल आर्ट में काफी काम किया है, वहां बड़े सेलिब्रिटीज के साथ 26 अवार्ड लिए मैंने, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सिंह का मेकअप किया, दिव्या दत्ता देखी जी, और या और यू नेम इट एंड शी हैव वर्क विद हंसराज हंस की मैंने आपको देखा हेयर स्टाइल बनाते हुए, और व्हाट्स हिज नेम, सोहा अली खान, मुराद अली, सोहा रजा मुराद, अफ्तार, प्रीति जिंटा के आपने मेकअप किया है, सो यू नेम इट एंड शी डिड इट, माशाल्लाह. सो वो तो आपके अंदर एक होगा ना कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ, बस ऐसे ना खींचता था कि नहीं अब मुझे वो मौका चाहिए. सो फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग खड़े खड़े मैं कहती हूँ बाबा जी की मेहर होती है. ऊपर वाले यहाँ पे ऐसे आइडियाज डालते हैं कि अवलीन को निकाल के एक उनकी राइट प्लेस पे डालना था. तो खड़े खड़े कहा कि अवलीन
लेजर क्लिनिक. अच्छा. एंड बिकॉज आज इतने सालों से मैं बैक होम में ऑल अक्रॉस इंडिया, एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है वहाँ पे आज भी. जबरदस्त. सो मैं वहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी, लेजर मशीन्स, ट्रांसडर्मल फेशियल्स के बारे में पढ़ाती आई. जबरदस्त. हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रोटोकॉल्स, बहुत रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग, एवरीथिंग चाहिए था. हालांकि ये मेरे साथ ग्रेस थी कि वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल करिकुलम्स पे पढ़ाया है और मैं एक्रेडिटेड थी. मैंने बहुत कोर्सेज किए हुए वहाँ पर भी. सो यहाँ पे मैंने उसके बारे में रिसर्च की, मशीन कौन सी लेनी है, फिर अपने लाइसेंसेस वापस लेने हैं, ऑडिट करना है. बिल्कुल. एंड वो सो जितने भी कोर्सेज आपने, सॉरी टू कट यू, इंडिया में लिए, कुछ भी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि आपको वो क्या कहते हैं उसको, मुझे रन डाउन नहीं, मतलब रन डाउन नहीं करना पड़ा. मेरे को सिर्फ ऐसा होता है कि अगर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और गूगल आपको पहचानता है, आपकी एक स्टैंडिंग है, आपको आपको एक पहचान है, आप करते हैं काम, सो व्हाट दे से, दे ऑडिट यू और दे गिव यू अ नटशेल ट्रेनिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड देन दे आस्क यू टू गिव एग्जाम. सो आई टुक माई एग्जाम्स एंड दे गेव मी लाइसेंसेस. सो मैंने यहाँ पे डर्मा प्लानिंग, माइक्रो नीडलिंग, लेजर, हाइड्रा फेशियल्स, एक्वा फेशियल्स, पील्स, इन सभी को वापस से उनका एक लाइसेंसिंग लिया. एंड देन हालांकि अभी भी मैं गाऊंगी हम नहीं हैं, 2018 में आए थे और इसी साल जनवरी में लॉकडाउन के दौरान ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, ये आइडिया मेरे दिमाग में रोपिन हुआ. एंड देन मार्च में जब लॉकडाउन दोबारा खुला, बिल्कुल, तो हमने ये क्लिनिक शुरू किया. लेकिन बहुत ब्लेसिंग्स हैं और क्योंकि राइट अप्रोच से काम शुरू किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन लेके आए. नहीं, मैंने खुद भी देखा है पर्सनली, आई हैव आल्सो यू नो ट्राइड एंड टेस्टेड है, माशाल्लाह मैंने इनका वर्क देखा है, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं. एंड मैंने जितने भी आपको मतलब अपने फ्रेंड्स भेजे हैं उनको खूबसूरत, थैंक यू सो मच फॉर दैट. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट की जरूरत होती है. बट क्योंकि बिकॉज आई ट्राइड एंड टेस्टेड योर वर्क एंड आई वाज लाइक लिटरली अमेज्ड, मैं शॉक थी. तो हम जरूर अपने ऑडियंस के साथ लेजर के बारे में जरूर बात करेंगे आपके साथ, बिकॉज आई थिंक शी इज द राइट पर्सन एंड द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. कि मेरे लेजर के बारे, लेजर को लेके मेरे बहुत से मिसकंसेप्शन जो अवलीन ने मेरे दूर किए. और सबसे पहले तो लेजर के बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इज इट सेफ और किस किस कौन कौन, हु इज़ द राइट कैंडिडेट टू हैव लेज़र. देखिए, लेज़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लाइट को एक फोकस पे डाला जाता है, जिससे उस सारी लाइट की एनर्जी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाती है. ठीक है. सो आपकी त्वचा बहुत मोटी नहीं होती है. हमें जितनी डेप्थ और डिप ये सब दिखता है हमें, इसमें त्वचा की मोटाई, त्वचा की मोटाई सिर्फ एक या दो विजिटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स के बराबर होगी. ठीक है. और उसके बाद जो तीसरी लेयर होगी डिपेंड करता है मोटे पतले हैं, राइट, कितने भी हो सकता है. लेकिन एक्चुअली त्वचा जिसपे हम काम करते हैं लेजर के लिए, लेजर एक बहुत ही खूबसूरत टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर लीजन को या सेल को या पिगमेंट को या रंग को राइट फोकस करके टारगेट कर पे उस पर लाइट फोकस किया जाता है और वो लाइट उस पर्टिकुलर लीजन या उस पर्टिकुलर कलर के ऊपर जाके एब्जॉर्ब होती है, उसके ऊपर वो काम करती है और लाइट एब्जॉर्ब होके डिस्पर्स हो जाती है. ठीक है. सो अगर मैंने सपोज आपकी त्वचा मैक्सिमम 1000 नैनोमीटर तक के डेप्थ में होगी, सो डिफरेंट डिफरेंट लेजर हेड्स होते हैं. सही. तरह तरह के लेजर होते हैं, डायोड है, NDAG है, IPL है. सो हम जो यूज़ करते हैं IPL टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो कि ब्राउन और डार्क स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही बेहतर और सेफ मानी गई है. ठीक है. बिकॉज लेजर किसको टारगेट करता है, किसी भी काली चीज़ को. अच्छा. मेलानिन को. ठीक है. सो अगर हम व्हाइट बालों के लिए या ब्लॉन्ड हेयर के लिए काम करेंगे तो उसमें लेजर डिफरेंट टेक्नोलॉजी में चला जाएगा. ठीक है. और अगर हम बहुत ही काली त्वचा पे काम करेंगे, जैसे ब्लैक टोन्स होती हैं, तो उसमें डिफरेंशिएशन होनी चाहिए कि हम लेजर किस चीज को फोकस कर रहे हैं. तो यानी कि जो लेजर कराने जा रहे हैं उनको इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, या वो अपने एस्थेटिशियन से ये पूछें ये बात कि इज इट फॉर एशियन स्किन यू मीन, मतलब हर स्किन का हेड इज डिफरेंट. इट्स डिफरेंट. ओके ओके. सो अगर हम बात करें कि लेजर कराना क्यों है, क्योंकि लेजर सिर्फ बाल निकालने का एक टेक्निक नहीं है, वो आपके पिगमेंट पे फोकस करता है, वो आपके वैस्कुलर लीजन्स पे फोकस करता है. आपने देखा होगा डायलेटेड कैपिलरीज होती है, रेडनेस होती है, रोजेशिया होता है. मेरे पोर्स में बहुत फर्क आया, मेरे पोर्स में बहुत. और जबकि लेजर का तो यही मिसकंसेप्शन है कि इट ओनली वर्क्स फॉर हेयर. यस. सो जब मैं अवलीन के पास आई तो ये वाली सारी चीजें, मैं अवलीन के पास आती थी, मैं कहती थी यार मेरे ना थोड़े से पोर्स कम हो गए, तो अवलीन कहती या दैट्स बिकॉज ऑफ लेजर. बिल्कुल. सो ये आपने बिल्कुल अच्छी बात, डिफरेंट हेड्स, डिफरेंट डेप्थ्स, डिफरेंट इंटेंसिटी विल फोकस ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स. सो सपोज मेरे पास कोई आता है कि मेरी त्वचा के ऊपर ओपन पोर्स हैं, मेरी त्वचा के ऊपर
रिंकल्स हैं या मेरे बाल भी हैं, सो मैं उन्हें कहूंगी आप अपना शीशा देखिए पहले और मुझे बताइए सबसे ज्यादा चीज आपको क्या तंग करती है। ठीक है, जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा तंग करती है या जो चीज उनका सबसे पहला कंसर्न है, अब उस टेक्नोलॉजी को उन पे यूज करेंगे। अच्छा, राइट। दूसरी चीज, आपने अभी पूछा लेजर किसके लिए है, लेजर हर एक के लिए है। सर्जरीज में यूज होता है, आपके मोल्स और वॉट्स को कट करने के लिए यूज होता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। इट्स मेडिकल इक्विपमेंट, दैट्स व्हाई हम लोगों को मेडिकल एस्थेटिशियन कहा गया, हमारे को प्रॉपर जानकारी दी गई एंड हमें स्किन का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सिस्टम, फंक्शंस, साइकल्स, एवरीथिंग पढ़ाया गया कि हम कहीं कुछ गलत ना करें। सही सही। सो अगर आप अपनी किसी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए किसी एक राइट पढ़े लिखे इंसान के पास जाते हैं, सर्टिफाइड इंसान के पास जाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। सो वो आपको एक, आई एम श्योर कि वो आपको एक राइट गाइडेंस देंगे और राइट ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल, सही पर्सन सही नॉलेज, ये होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। एंड आई वुड से डू योर ओन होमवर्क एज वेल। आप जिसके पास जा रहे हैं आपको भी थोड़ी सी वही बात जानकारी होनी चाहिए कि आप जो करवाने जा रहे हैं वो क्या है, मैं क्यों जा रही हूँ, और सारे क्वेश्चन आप अपनी एस्थेटिशियन से पूछें। द बेस्ट एस्थेटिशियन विल गोना गाइड यू कि व्हाट इज सेफ फॉर यू। और बहुत क्वेश्चन मेरे, मतलब मैंने अपने कुछ फ्रेंड से पूछा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं आपके साथ जो है आज इंटरव्यू करूंगी, तो सबने ये पूछा था कि मुझे कि उनसे ज़रूर पूछिएगा कि कोई साइड इफेक्ट लेज़र के, मतलब इन लॉन्ग टर्म बाद में कोई, चाहे स्किन को लेकर या इंटरनली, कुछ ऐसा तो नहीं है कि लेज़र के कोई साइड इफेक्ट। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप थ्रेडिंग कराते हैं, आपको ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं। स्किन भी कट सकती है, आपकी स्किन पर लाली भी आ सकती है, राइट? सो वो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आप वैक्सिंग कराते हैं, कई बार आपको गर्म वैक्स लग जाती है तो छाला पड़ जाता है, कई बार आपके गलत बाल खिंच जाए तो आपको फॉलिकुलाइटिस या बाल तोड़ जिसे कहा जाता है हो जाता है। आप शेविंग करते हैं, आपको कट लग सकता है, आपकी स्किन उधड़ सकती है, आप प्लकिंग करते हैं, कई बार आप स्किन को नोच लेते हैं, आप फेशियल कराते हैं, कई बार आप स्टीम से जल सकते हैं। बिल्कुल। सो आप कोई टेक्निक करा रहे हैं, अगर उसमें कोई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, राइट? सो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो साइड इफेक्ट है। अदरवाइज लेजर इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। वी कैन डू लेजर ऑन एनीवन, लड़का लड़की, आफ्टर 14 इयर्स। एक्ने लेजर जो है हम 14 साल के बच्चे के ऊपर शुरू कर सकते हैं, बालों के लिए या हार्मोनल इश्यूज के लिए हम लेजर प्रेफर करते हैं 15 साल से ऊपर, तब तक हॉर्मोन्स एक पर्टिकुलर बैलेंस में आ जाते हैं। सिंपल थिंग, आपकी त्वचा का कलर, आपको लेजर क्यों दिया जाना है, उसकी प्रोटोकॉल्स, उसके प्रॉपर 1, 2, 3, 4 स्टेप्स, अगर आप उसको सही से फॉलो करें तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं। सही, कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो चले मजीद हम लेजर के बारे में पूछेंगे अवलीन से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो अवलीन, थोड़ा सा लाफ्टर हो जाए, फन हो जाए, मजा हो जाए आपके साथ, थोड़ा सा हम आपकी जरा जो है वो आईक्यू, नॉट आईक्यू बट ट्रिकी क्वेश्चन, सिर्फ 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगी और देखते हैं कि आपका माइंड कितनी जल्दी काम करता है, बट द आंसर विल बी इन द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या आप मुझे बता सकती हैं, कैन यू नेम 2 डेज स्टार्टिंग विद टी बिसाइड्स ट्यूजडे और थर्सडे? ट्यूजडे थर्सडे गया तो फिर और क्या बच गया? थर्सडे के अलावा वो कौन सा दिन है जो लेटर टी से स्टार्ट होता है? टुडे, ओ टुमारो, टुडे एंड टुमारो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, व्हाट कैन यू नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ऐसी कौन सी चीजें जो आप ब्रेकफास्ट के तौर पे नहीं खा सकती? लंच। बिल्कुल। बहुत 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 जो है ना, आपका दिमाग काफी तेज है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मिडल ऑफ अमेरिका? अमेरिका आई। बिल्कुल सही। मुझे लगा था मैंने आपको नहीं बता सकता, मैंने सच में तुक्का मारा था। और मैंने मैंने ये जवाब आप जो है अवलीन को पहले नहीं बताए। नहीं, मैंने बिल्कुल तुक्का मारा था। जी, मैं कोई मुश्किल वाला तलाश कर रही हूँ। ओके, व्हाट इज, व्हाट वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली इन एवरी डिक्शनरी? इनकरेक्टली, यस। बहुत आसान सवाल है ये। बड़ा आसान था वैसे। वैसे मैंने आपके आसान चूज किए हैं, ये देखे मैं कितनी अच्छी हूं ना। यू आर अ गुड फ्रेंड। व्हाट गोज अप बट नेवर कम डाउन? ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है नीचे नहीं आती? सोचे सोचे, कोई तो गलत जवाब दे दो। आई थिंक ऊपर जाने के लिए लिफ्ट, पर वो नीचे भी आती है। वो तो नीचे भी आती है। सीढ़ियां। एग्जैक्टली, सीढ़ियां। पर सीढ़ियां नीचे भी तो आती हैं। सीढ़ियां नीचे नहीं जाती, सीढ़ियां सिर्फ ऊपर जाती हैं। अच्छा, हम नीचे आते हैं। ओह माय गॉड, दैट वाज फन। परफेक्ट, यू डिड 5 out of 5। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अवलीन से मैं मजीद सवालात करना चाहूंगी। बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं
जो लेज़र कराना चाह रहे हैं, पर वही थोड़ा सा जो एक डर है वो नहीं उनके जो है ना जहनों से जा रहा। तो एक और डर, पहले जब मैं आपके पास आई थी तो मेरा एक ये भी था कि श्योर आई कैन गो फॉर इट, बट कहीं मुझे हाइपर पिगमेंटेशन का इशू तो नहीं हो जाएगा मेरे चेहरे पर, कहीं डार्क स्पॉट्स या यू नो, वो एक थोड़ा सा एक खौफ, एक डर। प्लस मेरा एक और डर भी था, अगर आपको याद हो, कि कहीं मेरे बाल डबल तो नहीं हो जाएंगे ग्रोथ में। बिल्कुल, तो उसके बारे में प्लीज़ ज़रूर आप एजुकेट कीजिए हमारे देखने वालों को। सो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब हम लेज़र करते हैं तो लेज़र करने के वक्त हम लोगों को कहते हैं कि आपको अब अपने बालों को शेव करना है। सो मेरे पास 90% लोग ये बात पूछते हैं कि ओह शेव, फिर तो मेरे दाढ़ी जैसे बाल आ जाएंगे, आदमी जैसे बाल आ जाएंगे। तो मुझे ये समझाने में बहुत वक्त लग जाता है, और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जब वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, प्लकिंग करते हैं, तो उस दौरान आप अपने बालों को नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, उस टाइम पे रूट्स ऑल्टर हो रही हैं। उस टाइम पे आपके बाल बढ़ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आप रूट को ऑल्टर कर रहे हैं। लेकिन शेविंग से आप उसको सिर्फ शाफ्ट से काट रहे हैं स्किन सरफेस पे, वो आपको कभी भी रूट को ऑल्टर नहीं करता और आपको कोई नुकसान नहीं देता। सेकेंड थिंग, लेजर को परमानेंट हेयर रिमूवल या रिडक्शन कहा गया है। इतना पोर्शन जो बालों का, फेस का, टिल लोअर नेक हम कहते हैं, कि ये एक ऐसा पोर्शन है जो हार्मोन्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तभी आप देखेंगे कई बार 50 साल की उम्र में किसी लेडी के कानों पे बाल आ गए, मूंछों पे बाल आ गए, लंबे लंबे चिन पे बाल आ जाते हैं, कुछ लोगों के चले जाते हैं। आप देखेंगे इसी एरिया में एक्ने होता है, बॉडी पे कहीं और एक्ने नहीं होता। इसी एरिया में आपको मेलाज्मा, कोलाज्मा या हर तरह की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, बिकॉज ये एरिया आपका हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है। सो इस एरिया में जब भी हम हेयर रिमूवल विद लेजर देते हैं, चाहे वो डायोड करें, चाहे वो IPL करें, इसको हम रिडक्शन मानते हैं। ठीक है। और ये 8 से 12 सिटिंग में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको PCOS है, क्या आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है, क्या आपको थायराइड है या कोई और हॉर्मोनल इशू है, या आपकी जेनेटिक पीछे रूट्स में, जीन्स में चला रहा है कि आप एक थिक ग्रोथ लेके आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दोज फैक्टर्स, 8 से 12 सिटिंग्स में साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि आपके 95% तक रिडक्शन हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपका मोटे बाल पतले हो जाएंगे, पैचेस में आने शुरू हो जाएंगे। सो आप मैनेज कर सकती हैं शेविंग से। यही मेरा आपका अगला सवाल आपसे था कि कितनी सिटिंग्स जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी। प्लस इसी के साथ मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी कि 6 is the minimum sitting, right? 6 to 12? नहीं, हम कहते हैं 8 to 12। इस एरिया में तो आपको मेंटेनेंस पे भी जाना पड़ सकता है। लोग बोलते हैं 8 सिटिंग में बाल चले जाएंगे, 12 में चले जाएंगे। मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं वो बोलूंगी जो मैंने देखा है, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो साइंस कहती है। ओके। लेजर एक ऐसी टेक्निक है जो आपको रिलीव कर रही है। ये गायब कुछ नहीं करेगी। अगर आप माने कि आप बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाए, आपकी ये हो जाए, वो हो जाए, सो बहुत हार्ड है रिवर्स करना किसी भी चीज को। आप एज कर रहे हैं, लाइफस्टाइल है, हॉर्मोन्स है, सारी चीजें, हर चीज आपका मैटर करता है। सो लेजर टेक्नोलॉजी आपकी रूट्स को, फॉलिकल को डैमेज करती है जब उसमें बाल होता है। ठीक है। बालों के डिफरेंट साइकिल्स हैं, सो यू नीड मल्टीपल ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस और रिमूव। ओके। सो लोअर नेक पे आपके 8 से 12 सिटिंग में कहा जाता है 95% बाल खत्म हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते। बॉडी हेयर, ब्राजीलियन, अंडर आर्म्स, टांगों पे, हाथों पे, वो वापस नहीं आएंगे, बिकॉज वो हॉर्मोन्स के साथ इन्फ्लुएंस नहीं है। बट स्टिल जीन्स, आपकी आपकी त्वचा के अंदर, बॉडी के अंदर एक सिस्टम है। पर ईच सेशन के बीच गैप कितना होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट सेशन? शुरुआती कुछ सिटिंग्स में हम 3 to 4 वीक्स कहते हैं। ओके। उसके बाद 6 to 8 वीक्स, और फिर जब मेंटेनेंस हमने जो देखा है मेंटेनेंस पे 3-4 महीने में एक बार आके लोग मेंटेन, बिकॉज लेजर टेक्नोलॉजी ना सिर्फ आपके बालों को, रूट्स को फोकस करती है, पर वो आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को भी फोकस करती है, जिससे आपकी त्वचा में नेचुरली कोलेजन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। सो इससे आपकी त्वचा प्लम्प हो जाती है, फर्म हो जाती है, आपकी रिंकल्स कम दिखते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। अच्छा, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है या ये कराते रहना पड़ेगा हमें? बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया कराना, मेरे अपने क्लाइंट्स, लाइक मैंने आपको जैसे बताया हमने मार्च में शुरू किया, यहीं की बात करूंगी मैं आपसे, पुरानी तो बात भी नहीं करूंगी। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे, कुछ फिलिपिनो क्लाइंट्स, दो सिस्टर्स आती थी, उनकी चिन पे बाल थे, 6 सिटिंग्स के बाद वो कहते अब मेरे इक्के दुक्के बाल आते हैं, जिसे आई डोंट माइंड, सो आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी, बिकॉज जस्ट आई शेव इट ऑफ। वो भी कभी, सो कभी, मतलब इट्स अगेन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के नहीं भी आ सकते, कुछ के नहीं आते, और कुछ के वापिस उस पॉइंट पे जो फर्स्ट सिटिंग थी उस पे तो आप कभी नहीं पहुंचे। हम अगर कह रहे हैं 95% रिडक्शन, सो कहीं ना कहीं 5% इक्का दुक्का बाल आता रहेगा,
जो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग बालों की कहीं ना कहीं से उगता रहेगा, हॉर्मोन्स बनाते रहेंगे। सो आप उसको आगे 2-3 महीने में एक बार मेंटेनेंस सिटिंग ले सकते हैं। हाउ एवर, ये एक इतना बड़ा रिलीफ है, आप सोचिए आप हर हफ्ते वैक्सिंग कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, प्लकिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, इतने अपने आप को पेन से कर रहे हैं। अभी आपने एक भी पूछा कि पेन, मेरे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बहुत लोग पूछते हैं कि कहीं ये पेनफुल तो नहीं, क्योंकि वो जो आवाज एक आती है और बाज औकात जल्दी की भी स्मेल आती है तो आप एकदम से ना घबरा जाते हो, डर जाते हो। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो गई है, हमने जब मैंने 10 साल पहले अपने फेस पे लेजर कराया था इंडिया में तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि पसीने छूटते थे, आइस पैक रखना पड़ता था, कई बार नंब करना पड़ता था, बहुत दर्द होती थी। या जब यहाँ आई मैं तो, क्योंकि मैं बहुत पेन सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ पेन को, करंट्स को लेके, तो मैंने कम से कम 7-8 मशीनों को अपने ऊपर ट्रायल लिया, डेमो लिया टू सी कि हाउ इट्स वर्किंग ऑन मी, क्या जो मैं चीज कंफर्टेबल होकर करा सकती हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को वही ऑफर करना चाहूंगी। सो उस दौरान मैं कई मशीनों में, हमें, मैं और मेरी बेटी, मेरी बेटी मेरे साथ काम करती है, वो मसाज थेरेपी का भी कोर्स पढ़ रही है और साथ में वो बैक होम से भी मेरे साथ वहाँ पे भी मेरे स्पा में मेरे को जैस्मिन से भी मैं मिली हूं, उसकी भी बहुत माशाल्लाह स्किन मैंने देखी है, शी हैज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन हर स्किन। सो वो मेरे साथ हर जगह, कभी एक अंडर आर्म पे वो टेस्ट कर रही है, टांग के एक पैच पे, मैं हमारी पूरी बॉडी पैची हो गई थी जब आप मशीन को चेक करते। एंड देन फाइनली आई फाउंड दिस मशीन, दिस इज अ ब्यूटीफुल मशीन, इसका जो क्रिस्टल हेड है वो -8 पे चला जाता है। सो जब त्वचा के ऊपर -8 के टेम्परेचर को आप टच कर रहे हैं तो जो एलर्जी जा रही है आपको झटका लगेगा, जैप, लेकिन वो आपको एहसास नहीं होगा। सो हम कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं शॉप लाइट, आई डोंट नो मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पर इट इज एजुकेशन, सो सबको मालूम होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी में आपकी त्वचा के अंदर जब लाइट जाएगी तो वो टेम्परेचर इतना ठंडा कर दिया जाता है कि आपको एहसास नहीं होता, तभी दर्द नहीं। इसको रिलेटिवली पेनलेस कहा गया, अमेजिंग, सो मालूम ही नहीं चलता। सो कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं, कुछ लोग बहुत पेन सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हल्का सा पता लगता है तब हम इंटेंसिटीज को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं। मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में मेरे क्लिनिक से एक भी मेरा क्लाइंट पेन में या रेडनेस के साथ नहीं है। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, ये बहुत सुंदर। देखिए टेक्नोलॉजी भी तो इतनी वास्ट हो गई है, इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं और फिर आई नो के इन द फील्ड दैट यू आर, इसमें तो आपको हर वक्त अपने आप को कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। फिर दूसरा, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी जिसमें पहले अल्ट्रासाउंड जेल लगाते हैं फिर उसके ऊपर लेजर देते हैं ताकि त्वचा के ऊपर। सवाल होगा कि मैंने काफी जगहों पर देखा है कि जो जेल का इस्तेमाल करते हैं, पर आपकी तरफ मैंने देखा है कि आप जेल इस्तेमाल, न्यू टेक्नोलॉजी, डज इट रियली मैटर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लेस हेयर और जेल वाली के साथ? जेल क्यों लगाते थे कि जेल एक मीडियम है, वो त्वचा को ठंडा कर रहा है, अच्छा, ताकि लेजर की लाइट आपकी त्वचा को जलाए ना, अच्छा। वो एक स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है। अब कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी, नो जेल, बिकॉज आपका क्रिस्टल इतना ठंडा कर रहा है उसको, फ्रॉस्ट लाइक उसको -8 पे ले जा रहा है, तो हमें जेल क्या करनी, जरूरत नहीं है, ना मेस है ना पेन है, इट इज सो इजी। आज एक मेरे पास क्लाइंट आए, वो पहले मिसिसागा में रहते थे और वो काफी टाइम से लेजर करा रहे थे, लेकिन अब कुछ जब हॉर्मोनल चीजें आती है तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन उनका कहना था हर बार बाल कम हो रहे थे लेकिन पेन बहुत था। सो आज लाइक लास्ट मंथ वो मेरे से करा के गए, आज फिर वो आए और उन्होंने कहा वेरी गुड, आई एम हैप्पी, जबरदस्त। सो मैंने कहा आपको क्या अच्छा लगा? तो कहते एक तो मुझे दर्द नहीं होता, माँ मैं बहुत आंखों में आंसू के साथ काम कराना पड़ता था, दूसरा या कोई मैसी नहीं है, मेरे कपड़े खराब नहीं हो रहे और मैं रेडनेस के साथ और इन्फ्लेमेशन या सूजन के साथ घर नहीं जा रहा। अच्छा, सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट आई वुड से कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते हैं, लोगों का ये डर निकालना है, साइंस और अगर रिसर्च के अगर आप पढ़ें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट टेक्नोलॉजी व्हिच हेल्प्स यू इन अ लॉन्गर टर्म। बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त, इट इज गिविंग यू परमानेंट रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली, एंड आपका तो लेजर वाकई में ही, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इन मे बी थर्ड सेटिंग आई वॉज लाइक ओके शुड आई कम बैक अगेन फॉर लेजर और नो, एंड अवलीन वॉज लाइक नो टेक योर होल सेशन। तो अवलीन, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूंगी कि किस एज से आपको लेजर स्टार्ट करना चाहिए, एंड अनदर क्वेश्चन विल बी कि किस एज से पहले पहले आपको लेजर करा लेना चाहिए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार मेरे पास जब लोग आते हैं तो लेट हो जाता है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेजर काले बालों पे बेस्ट इफेक्ट करता है, क्योंकि वो मेलानिन पकड़ता है, वो कलर पकड़ेगा, ठीक है। सो कुछ लोग मेरे पास आते हैं जैसे मेरी एज के, जहाँ पे हमारे कई बाल व्हाइट हो गए हैं, अब उन पे क्या करें? लेजर विल नॉट अफेक्ट ऑन व्हाइट हेयर, फॉर दैट यू हैव टू गेट योर थर्मोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस डन। उसके लिए कोई एक और ट्रीटमेंट है? हाँ, उसके लिए डिफरेंट करंट्स के साथ फॉलिकल में करंट भेजा जाता है और निकाला जाता है। सो
टिपिकली आप 14 साल के बाद लेजर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. अच्छा, 14 साल से पहले हॉर्मोन्स को आने दीजिए, बैलेंस होने दीजिए, सो यू नो वेयर यू आर वर्किंग. आपको अपना वर्क ग्राउंड पता है. ठीक है. एंड उसके बाद सूनर द बेटर. इफ यू हैव हेयर ग्रोथ, इफ यू आर सीइंग हेयर ग्रोथ, यूजली आप देखेंगे कि जब एक या दो बच्चे हो जाते हैं हम प्री मेनोपॉजल टाइम पे हमें बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ ऑल्ट्रेशन दिखते हैं. सो उस टाइम पे जैसे ही आपको लगे कि आपकी स्टबल आ रही है, आपकी हैवी ग्रोथ आ रही है, करा लीजिए. यंग माएँ आती हैं मेरे पास, वो पूछते हैं हमें अपने बच्चों के अंडर आर्म्स. मेरा एक फ्रेंडली सजेशन टू ईच एंड एवरी वुमन अराउंड मी जो आप सुन पा रहे हैं कि ब्राज़ीलियन और अंडर आर्म्स एक ऐसा पार्ट है जो हर इंसान को ज़रूर करा लेना चाहिए, बिकॉज इट्स हाइजीनिक, इट इज़ सेफ एंड इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन इन कपल ऑफ सिटिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म. ज़बरदस्त. ना दर्द है, ना प्रिकीनेस है, सेफ है. हम औरतों को हर महीने कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसमें ये एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है. पर टाइम कितना बच जाता है ना जब आप एक दफा सिर्फ 15 मिनट आपके शायद 12 से 13 सिटिंग्स में आपके 97% बाल खत्म. अच्छा. एंड you get back to the baby soft skin and no more shaving, no more breaks, no more follicularitis. अच्छा, ये time consuming भी नहीं है ना एक session में, I guess a minute or two, maybe not much, depends on the area, right? Yeah, like एक protocol होता है, cleansing हो गया, preparation of client हो गया, sanitization हो गया. So, उसके बाद अगर आप लाइट देने की बात करें वो तो टक टक वो तक, तो हाँ पता भी नहीं. Take, एक और चीज मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि somebody who is looking into laser और जो इवन अवलीन से भी कांटेक्ट करना चाहें, why not? चले जी, अब हम एक लेते हैं छोटी सी क्विक कमर्शियल ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और हम अवलीन के साथ इस वक्त मौजूद हैं. अवलीन इज एन एजुकेशनिस्ट, मेंटोर, माइंड थेरेपिस्ट एंड अ लेजर स्पेशलिस्ट. चले जी, अब हम अवलीन के साथ जो है रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अवलीन, यू हैव ओनली 5 seconds टू आंसर. आर यू रेडी? आई एम रेडी. नहीं, स्केर्ड होने वाले ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे. अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. डिस्क्राइब योर स्टाइल इन वन वर्ड. Myself. I always say I am me. I am me. जो है वो बढ़िया. Perfect. What were you afraid of as a child? बचपन में कोई ऐसी चीज जिससे आप डर जाते? अंधेरा. अंधेरा. Wow. What has been your favorite age so far? Age. अभी. Right now, which is right 16. Now. 48. I love myself in this age. Yeah. Mashallah. Oh my God. What is your go-to lazy dinner? बस कुछ खाना पकाने को दिल नहीं कर रहा, बस गो टू लेजी, बस चाहिए अभी कुछ भी आ जाए. अगर मेरी बेटी मेरे लिए नैचोस बना दे, ओह वाओ, तो मेरे लिए उससे बढ़िया डिनर कोई भी नहीं है. बेटी सुन ले. ऑलराइट, व्हाट आइटम इज वर्थ स्पेंडिंग मोर मनी ऑन? ऐसी कौन सी चीज है कि आपको लगता है हाँ इस चीज के लिए तो मैं कुछ भी स्पेंड कर सकती हूँ? आई थिंक फॉर अ गुड जैकेट. Perfect. यहाँ you are wearing actually, I love it. बहुत ज़बरदस्त. Oh, ये बहुत खूबसूरत जैकेट है. ये ऑर्गेनिक इंडिया ऑर्गेनिक कॉटन है. ये दिस इज माई सिस्टर स्पेशलिटी. Wow, beautiful. Yeah, thanks. What do you wish you learned sooner? ऐसी कौन सी चीज है कि आप अब सोचती हैं कि काश मैं पहले सीख चुकी होती. 5 seconds. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. ये लिस्ट बहुत लंबी है. 5 seconds. कोई भी चीज जो आपके जहन में आ रही हो इस वक्त. I always, मेरा एक ख्वाब है जो मैं आज भी नहीं कर पाई. मेरा एक ख्वाब था वैनकूवर फिल्म स्कूल में जाके पूरा प्रोस्थेटिक्स करने का. Wow. क्योंकि इंडिया में हम प्रोस्थेटिक्स पढ़ाते थे. जबरदस्त. सो वो मैं कभी भी नहीं कर पाई बिकॉज इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम और मैं दिल से पढ़ना चाहती थी. चले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं. अक्सर मन करता है कि कभी मैं छोटी हो जाऊँ और मेरी शादी जल्दी ना हो तो मैं वो कॉलेज लाइफ जीऊँ, क्योंकि आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली. ओके. सो आई कुड नॉट गेट दैट टाइम, दैट अपॉर्चुनिटी टू गो टू द कॉलेज एंड वो फन होता है जो. सो इसलिए कहती हूँ आज मेरा टाइम है. आज बच्चे बड़े हो गए हैं एंड आई एम डूइंग व्हाट आई रियली विश टू. आर यू वेयर यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ? ऑफ कोर्स. अवलीन, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लेजर के अलावा कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करती हैं अगर कोई आपके पास आना चाहे? वेयर आर यू लोकेटेड? अगर आप कुछ थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में हमें बताना चाहें. सो हम लोग क्लार्क एंड डिक्सी ब्रेमली सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में हैं. राइट नाउ इट्स इन होम बेस्ड प्रैक्टिस टू स्टार्ट विद, बट एक बहुत ही कोजी और बहुत ही साफ सुथरा क्लिनिक है जिसमें आई ऑफर लाइक लेजर ट्रीटमेंट्स, फोटो फेशियल, हेयर रिमूवल सर्विसेज, एक्ने ट्रीटमेंट्स, देन वी डू अ लॉट ऑफ लाइक एक्वा पील्स, डर्मा प्लानिंग, आई डू माइक्रो नीडलिंग एंड हाइड्रोफेशियल्स. परफेक्ट, परफेक्ट. तो ये जो आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई है जबरदस्त, अभी कुछ नाम तो मेरे
सर के ऊपर से गुजर रही है जो हम आपको वक्तन बुलवाते रहेंगे और हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। पर यहाँ पे मैं फोटो फेशियल के बारे में जानना चाहूँगी कि ये बड़ा नेम जो है एक फैंसी सा नेम लग रहा है मुझे इस वक्त, और लोग जानना चाहेंगे व्हाट इज़ फोटो फेशियल, कैन वी हैव फोटो फेशियल विद लेज़र, कोई ऐसी ट्रीटमेंट हम लेज़र करवाने के दौरान ले सकते हैं या नहीं? देखिए फोटो फेशियल लेज़र ही है। ओके, सो इट इज़ एन IPL लेज़र ओनली। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैंड पीसेज होते हैं, सो हर हैंड पीस का एक डिफरेंट डेप्थ होता है कि उसकी एनर्जी कितना नीचे जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी स्किन एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस है, अगर आप कॉन्टूरिंग कर रहे हैं, आप सबक्यूटेनियस पे काम कर रहे हैं, तो आपको फैट लेयर में बहुत डीपेस्ट लेज़र चाहिए। अगर आप बालों पे काम कर रहे हैं हेयर रिमूवल के लिए, तो आपको मिड डेप्थ का चाहिए, सो वो आपका हेयर रिमूवल लेज़र होता है। तो जब हम पिगमेंट पे काम करते हैं, आप देखिएगा पिगमेंट हमेशा आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे होती है, सो पिगमेंट या झाइयाँ या ब्लेमिशेस जो भी आप कहते हैं, या मेलास्मा, ये आपकी एपिडर्मल लेवल पे होता है। सो हमें बहुत ही शैलो लेज़र चाहिए होता है उसके लिए। और जब अगर हम कोलेजन पे या रिंकल्स पे काम कर रहे हैं, तो फिर हमें वापस डर्मिस पे जाके करना पड़ता है। सो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं। सो फोटो फेशियल या स्किन रिजुविनेशन लेज़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फोकस और टारगेट करते हैं आपके पिगमेंट को या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को, ताकि आपकी त्वचा नए सेल्स बनाए और आपके रिंकल्स कम दिखें, ओपन पोर्स टाइट हो, आपकी त्वचा और फर्म हो। और लाइक फोटो फेशियल में मेन फोकस हमारा रहता है मेलास्मा। आपने अक्सर देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के दौरान आपकी त्वचा पे बटरफ्लाई मास्क आ जाता है, जिसे प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रायंगल पिगमेंटेशन ऑन योर जाइगोमैट्स, लाइक ऑन योर चीक्स, थोड़ा सा आपके फोरहेड पे होगा, थोड़ा सा नाक पे होगा, कभी कभी आपके अपर लिप पे भी हो सकता है। सो ये एक बड़ी हार्ड टाइप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जिसे दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपका हॉर्मोन्स बनाते चले जाते हैं। लेकिन लेज़र से हम इसको फेड आउट कर सकते हैं, लेज़र से हम इसे कम कर सकते हैं, इसे वर्स लुक से रोक सकते हैं। इसके अलावा फोटो फेशियल से आपकी आँखों के आसपास जो बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाती हैं, लॉफ लाइन्स हो जाती हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, स्लकिश स्किन हो जाती है, उस पर बहुत खूबसूरत। तो फोटो फेशियल भी हम किसी भी एज में ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अगर आपको लगता है आपकी त्वचा पे रिंकल्स आ रहे हैं, अगर आपको लगता है आपकी त्वचा पे ओपन पोर्स है, जैसे यंग स्किन में ओपन पोर्स बहुत होते हैं, तो हम फोटो फेशियल उन्हें देते हैं। ठीक, या पिगमेंट है, या पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं, या सन स्पॉट्स हैं, उनके ऊपर किया जा सकता है। और अगर आपने जैसे भी पूछा कि हम क्या दो फेशियल्स को कंबाइन कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। जब हम क्लेंजिंग मोड में होते हैं, तो हम हाइड्रा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, माइक्रोडर्माब्रेजन कर सकते हैं, हाइड्रोडर्माब्रेजन कर सकते हैं। मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं लेज़र ट्रीटमेंट से पहले, स्पेशली फॉर फेस, आई डू डर्मा प्लानिंग। डर्मा प्लानिंग में हम एक सर्जिकल स्कैल्पल ब्लेड से स्किन को स्क्रेप करते हैं, पूरी पीच फज निकालते हैं, बाल निकालते हैं, इससे बहुत ही करीबी से आपकी डेड स्किन भी निकल जाती है एंड आपका लाइट भी ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। डर्मा प्लानिंग का मेन, अगर आप एक सिंपल वे में हमारे देखने वालों को बताना चाहें कि डर्मा प्लानिंग बेसिकली है क्या, बिकॉज मैंने भी आपसे वो करवाया था और उसके बाद एकदम से बिल्कुल बेबी स्किन आपकी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ द डेड स्किन है वो शायद बिल्कुल आपकी एपिडर्मल लेयर के ऊपर बहुत सारी लेयर डेड स्किन्स की होती है, उसी में पीच फस, यानी कि आपके लिए रुआं होता है, बाल होते हैं, और किसी भी तरह के बाल जो भी आपके हैं। सो डर्मा प्लानिंग एक बहुत ही लाइसेंस्ड और एक बहुत ही टेक्निकल सर्विस है, जो आप खुद ना करें तो बेहतर है, कुछ लोग करने लगे हैं आजकल, कुछ ब्लेड्स हल्के फुल्के ब्लेड्स मिलते भी हैं, लोग खुद करें, लेकिन उससे आपकी स्किन कट सकती है, बिल्कुल आपकी त्वचा कागज की तरह। स्पेशलिस्ट तो फिर इसलिए नहीं बैठे। सो हम उसमें आपकी त्वचा की ऊपर की लेयर को स्क्रेप करते हैं, जिसमें आपकी डेड स्किन, पीच फज, बाल सभी कुछ निकाल दिया जाता है, एंड वी यूज अ सर्जिकल ब्लेड, जिससे आपकी त्वचा एकदम ओपन हो जाती है। फिर उस वक्त हम कोई इन्फ्यूजन कर रहे हों, पेनिट्रेशन कर रहे हों, आपकी त्वचा में प्रोडक्ट्स की, सीरम्स की, विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। त्वचा कुछ घंटों तक के लिए थोड़ी सेंसिटिव रहती है, तो हमें उसको कवर करके रखना है, मेकअप से अवॉइड करना है। इट्स अ ब्यूटीफुल सर्विस एंड इफ यू टेक इट विद अ हेयर रिमूवल सेशन, सो यू सी बेटर रिजल्ट्स। जबरदस्त जबरदस्त। या एक और मैं लेजर के बारे में, मेरे जहन में इस वक्त सवाल आ रहा है कि लेजर से पहले और लेजर से बाद में कोई prerequisites हैं? Absolutely. बिल्कुल। ये जब हमारे को over phone हम counseling करते हैं, consults करते हैं, so कुछ चीज़ें, laser treatment कराने से 4 या 5 दिन पहले आप कोई केमिकल पील नहीं करेंगे, आप कोई स्क्रब नहीं करेंगे, एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे, अगर आप रेटिनॉल या विटामिन नहीं यूज करते हैं, इन द नाइट क्रीम्स यू हैव टू डिस्कंटिन्यू दैट, वी नीड स्किन थिकनेस टू पेनिट्रेट द लाइट। ठीक है। दूसरा, लेजर के बाद
लेजर के बाद आपको सनस्क्रीन यूज करनी है हर वक्त, क्योंकि स्किन थिन हो जाती है. हमने शेव भी किया होता है, डर्मा प्लानिंग भी किया होता है, और कई बार हम लोग इन्फ्यूजन भी उसी टाइम पे करते हैं. सो आप उसके 72 घंटे तक स्टीम, सोना और विगरस एक्सरसाइज नहीं करेंगे. आप ओपन इन सन में जाके नहीं बैठेंगे, आप बीच पे नहीं जाएंगे, आप किसी भी तरह का हैवी अपनी त्वचा के ऊपर कुछ भी. कई बार तो हम बोलते हैं जो लोग बहुत हैवी कुकिंग करते हैं, अच्छा, किचन में बहुत देर तक खड़े रहना है, ठीक है. सो आप अवॉइड करें जिस दिन, अच्छा, आपने अपना फेस पे लेजर, हीट आपके एग्रेसिव हीट, हीट किसी भी तरह का हैवी एक्सरसाइजेस, एनीथिंग यू हैव टू अवॉइड. बाद भी मना करते हैं. और मेकअप के बारे में क्या कहेंगी? 72 आवर्स के बाद मेकअप कुछ घंटों के बाद आप हल्का फुल्का लगा सकते हैं, अगर उसमें सैलिसिलिक एसिड या कुछ स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो मेकअप इतना इफेक्ट नहीं करता. बिकॉज थोड़ी सी त्वचा सेंसिटिव है, तो अगर आप ज्यादा मलेंगे तो आपको लाइक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी. बट एज सच इफ इफ थिंग्स आर डन राइटली विद इन 24 आवर्स यू कैन डू एनीथिंग. या आप मेकअप कर सकते हैं, आप अपने रेगुलर मॉइस्चराइजर्स पे आ सकते हैं. But 24 hours तक हम आपको बोलते हैं कि go for a mild face wash and a mild moisturizer. जबरदस्त. That's it. अवलीन, आप हमें ये भी जरूर बताइए कि कोई packages हैं, आपसे हम packages buy कर सकते हैं, आप किस तरह के services देते हो और आपसे कितने दिन पहले कोई appointment book कराएं? देखिए, हम लोग by appointment ही हैं, because आई टेक एवरी क्लाइंट एज लाइक अवेलेबल थे. कोविड का टाइम है, हम लोगों की कैपेसिटीज वैसे ही डाउन हुई पड़ी हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो भी मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं दो क्लाइंट्स के बीच में एक अच्छा खासा समय रखती हूँ, बिकॉज हमको क्लीनिंग करना है, सैनिटाइज करना है अपने इक्विपमेंट को सारा. एंड आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज है ऑरा बाय अवलीन, हमारा इंस्टाग्राम पेज है ऑरा बाय अवलीन, मेरी वेबसाइट है aurabyavleen.net, और मेरी अपनी पर्सनल वेब प्रोफाइल है avleenkhokhar.com. आप इन सब पे जाके मेरे बारे में और जानकारी ले सकते हैं. आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं. सो वी गिव यू टाइम एंड हम आपको एक प्रॉपर एक प्री रिक्विजिट देते हैं कि ये चीज़ें हैं, आप इस टाइम पे आइए, इससे पहले आपको कौन से बॉडी पार्ट्स पे आप इंटरेस्टेड हैं. ऑफ कोर्स ऑन आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, लाइक मेरी जो मेन्यू कार्ड के प्राइजेज हैं वो हैं, फिर उसके बाद पैकेजेस हैं, और अगर कभी कोई हॉलीडे चल रहा है, जैसे अभी ईयर एंड प्रोग्राम्स चल रहे थे, ईयर स्टार्ट कुछ प्रोग्राम्स हैं, सो आई शेयर विद देम देयर एंड देन. ठीक है. एंड देन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट टाइम्स मैंने देखा, क्लाइंट्स कम, दे वॉन्ट टू टेस्ट यू, दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू बी वेरी कम्फर्टेबल हाउ इट इज, बिकॉज यहाँ पे जो मैं सीख रही हूँ और समझ रही हूँ कि बहुत सारी होम प्रैक्टिसेस में बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनके एक्सपीरियंसेस हैं और वो शेयर करते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी एथिकल. मैंने यही पढ़ाया और आज भी मैं ये मानूंगी कि आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो भी हम कर रहे हैं, जो मुझे आता है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बिल्कुल. जो मैंने पढ़ा है, जो साइंस कहती है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसमें कुछ भी कुछ अपने से नहीं, आप नहीं, नहीं है. बिल्कुल. सो हो पाएगा तो मैं कहूंगी नथिंग इज परमानेंट. There are permanent results in long term, but ये जो आप अच्छी अच्छी advertisements देखते हैं, be aware of that. कुछ चीजें समय के साथ, क्योंकि damages एक time पे नहीं आती. बिल्कुल, ये सही बात है. आजकल वो जो घर की एक होम लेजर आया हुआ है मशीन, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? काफी लोग उस पर भी spend करते हैं. मेरी बेटी ने भी आते हैं यहाँ पे खरीदा, $300-400 उसने शायद स्पेंड किया उस पे. कुछ इसी तरह का है वो. देखिए, हॉर्मोन्स हैं और आपको घर पे यूज करने के लिए एक लेजर इक्विपमेंट दिया जा रहा है, वो कितना स्ट्रांग होगा? आप सोचिए 70-80 हजार की मशीन और $300-400 की मशीन में कितना बड़ा डिफरेंस होगा. ये तो बात है. फिर टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, एंड दे हैव टू मेक इट वेरी सेफ. सो समटाइम्स सम पीपल विद अ वेरी लिटिल ग्रोथ दे माइट सी सम चेंज. वो थोड़ा डिले कर सकता है, थोड़ा सा बालों को पतला कर सकता है, पर इससे ज़्यादा मैंने रिजल्ट्स देखे. बहुत लोग आए हैं मेरे पास, घर पे भी मशीन पड़ी थी. सो हम हंस रहे थे कि क्या इसको मार्केट प्लेस पर लगा दें. मैंने कहा, जैस्मिन, डोंट प्रमोट अ रॉन्ग थिंग, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, आपके ऊपर है. कोई चीज़ आपको सूट कर जाती है, कोई चीज़ नहीं करती. हाउ एवर, इफ़ यू आर रियली कंसर्न अबाउट योर ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑन द स्किन, Go to a specialized clinic. बिल्कुल. और देखिए, हम जहाँ पर इतना हम खर्चे करते हैं, क्यों नहीं करते, हम पैसे उन जगहों पर लगा रहे होते हैं कि जो वर्थ इट नहीं होते. बट हम जहाँ तक पे हमारी स्किन की बात आ जाती है, जहाँ पर हमारी अपनी ज़ात की बात आ जाती है, हम 10 दफ़ा सोचते हैं. बट ये है कि अवलीन के पैकेजेस भी बहुत मुनासिब हैं, अफोर्डेबल हैं. बिकॉज जहाँ लेज़र की बात आती है, वहाँ लोगों के दिलों में ये स्केयर बहुत स्केयर होते हैं कि ओ माई गॉड, लेज़र, इट मस्ट बी सो एक्सपेंसिव. इट इज़ नॉट, बट इट इज़ नॉट, इट इज ऑनेस्टली नॉट. मेरे पास लोग आते हैं, वो फुल बॉडी वैक्स कराते हैं करीब 150-200 एक अच्छे क्लिनिक पे. बिल्कुल. और उसमें भी उनको बहुत पेन, बहुत वक्त और बहुत वो लगता है. और अगर हम बात करें एक लेजर ट्रीटमेंट, जो आपको फिर 4 हफ्ते तक इतना रिलैक्स कर देगा और शायद
13-14 सिटिंग के बाद आपको शायद आना भी ना पड़े शायद मेंटेनेंस के लिए. सो 350 से 450 में फुल बॉडी लेजर हो जाता है. दैट्स अमेजिंग. फुल फेस लाक अगर आप वैक्स कराइए तो मेरे ख्याल $70-80 लग जाते हैं बिल्कुल. बहुत ही आई डोंट नो वो क्या यूज करते होंगे, अगर वो 30 या 40 भी लोग ले रहे हैं, बट एक अच्छा लेजर क्लिनिक में $100 के करीब आपका फेस हो जाता है, फेस एंड नेक. एंड हम लोगों की स्पेशलिटी है, हम लोग लेजर ट्रीटमेंट के बाद आपकी त्वचा को पैसिफाई करते हैं. हम मास्क दे रहे हैं, हम उसमें एलईडी लाइट्स में. ओके या सो बिकॉज इट आई कैनॉट लाइक आस्क यू टू लीव विद रेडनेस ऑन योर फेस. यू हैव टू बी सो दैट्स व्हाई आई टेक माय ऑल टाइम. सो आई एम नॉट डूइंग की कट 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 आई यू कट, ऐसा नहीं है. सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. वाओ दैट्स अमेजिंग. इस टाइम थैंक यू सो मच अवलीन, यू शेयर्ड इमेंस नॉलेज टुडे विद अस. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देखने वालों ने, ऑडियंस ने बहुत कुछ आज सीखा होगा. और जो भी अवलीन से राबता करना चाहें आपको सारी डिटेल्स चैनल पर मिल जाएंगी. अगैन वंस अगैन थैंक यू सो much for thanks coming for inviting me. Thanks to Awaaz, thanks to Laila. Yeah. Thank you so much. Thanks for Awaaz Entertainment too. Yeah. But let me give a disclaimer here, because Evelyn bilkul media se hat chuki thi, because inhone 20 years yahi kaam kiya hai India mein, bahut zyada limelight aur media mein rahi hain. To bas thank you so much ki aapne mujhe is kabil samjha ki aap mere show par aaye. Aapne bhi mujhe bahut sari khoobsurat yaadein wapas de di. Bilkul nahi, it's an honor. Thank you so much. अगर आप भी हम लोगों से रابطہ करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है या आप कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल से رابطہ कीजिए. वी विल लव टू हैव यू ऑन आवर शो. फिर नए गेस्ट के साथ नए हफ्ते में मैं दोबारा हाजिर होंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.